नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारत बंद को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीतिक लड़ाई शुरू है। किसान आंदोलन पर समूच विपक्ष किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन की घोषणा की है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कई सवाल दागे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जेपी नड्डा से भी किसानों को लेकर कई सवाल पूछे और किसान कर्ज माफी की भी बात उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कृषि कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस ले। किसान संगठनों की ओर से कल बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी। 12 से अधिक दिनों किसानों के प्रदर्शन हो गए लेकिन पीएम मोदी शांत हैं। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार को घेरा और कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों में से एक भी वादा राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया। राज्य के बेरोजगार युवाओं को कब रोजगार मिलेगा? कांग्रेस ने सवाल किया कि जेपी नड्डा बताएं राज्य के किसानों का ऋण कब माफ होगा। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज देश का अन्नदाता, देखिए सुनिए, अगर परिस्थितियाँ सामान्य होती तो हमें कोई गुरेज नहीं था। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, पूरे आसमान में सर्द मौसम में जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है सभ्य स्वागत, राज्यशाही स्वागत हो रहा है। अरे किसानों के दर्द को समझो, मर्म को समझो।